एंटरटेनमेंट करेगी। दीपिका की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड लुई वीटो ने फ्री फॉल 2020 कैंपेन के लिए अपना चेहरा घोषित किया है। खास बात यह है कि दीपिका बॉलीवुड की पहली ऐसी अदाकारा है जो इस ब्रांड के कैंपेन में नजर आ रही है। बॉलीवुड की अभिनेत्री रिया सेन का आज जन्मदिन है। रिया सेन अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। हालांकि बॉलीवुड में उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। लोकप्रिय सीरियल नागिन 4 में जल्द ही एक पॉपुलर टीवी अभिनेत्री अनीता हंस नंदानी की एंट्री होगी। इससे पहले अनीता नागिन 3 का हिस्सा रह चुकी है। विकी कौशल के भाई सनी ने अमेजॉन प्राइम की ओरिजिनल सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी आजादी में काम किया है, जो आज रिलीज हो गई है। इस वेब सीरीज की स्क्रीनिंग पर विकी एक कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस कटरीना कैफ सनी कौशल को सपोर्ट करती नजर आई। ऋषि कपूर ने फैंस के साथ एक छोटा सा क्विज खेलने का फैसला किया है और एक महिला की पुरानी फोटो शेयर की है। इस फोटो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है क्योंकि इसमें नजर आ रही महिला एकदम अलग थी। असल में ये बीते जमाने के स्टार प्राण है। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत जल्द ही बॉलीवुड में वापसी करेंगी। राखी ने कहा, मेरे जाने से करण जौहर बहुत उदास है। बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत हर बार की तरह इस बार भी अपने अटपटे अंदाज को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना अपनी आने वाली फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान को लेकर सुर्खियों में है, जिसमें गे शख्स के किरदार में आयुष्मान खुराना को देखकर उनके माता पिता ने आयुष्मान की जमकर तारीफ की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस एली औरा मलंग फिल्म में बोल कैरेक्टर को लेकर सुर्खियों में है। एली ने फिल्म को लेकर अपनी खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म के लिए 120 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जिसे जीरो के निर्देशक आनंद एलरॉय द्वारा निर्देशित किया जाएगा। अक्षय कुमार और उनकी टीम का मानना है कि अक्षय कुमार किसी भी प्रोजेक्ट की गुडविल बढ़ाते हैं तो 100 करोड़ से ज्यादा फीस डिजर्व करते हैं। मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लग गई है। कंगना की अगली फिल्म का नाम तेजस होगा और इसमें वो पायलट के किरदार में दिखेंगी। मॉडल मानुषी छिल्लर अक्षय कुमार की स्टारर फिल्म पृथ्वीराज से हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत करने जा रही है। फिल्म में अपने लुक की एक झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है। आल्ट बालाजी की नई वेब सीरीज मंभाई में पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे अंगद बेदी। इसके लिए अंगद ने उन पुलिस कर्मियों से मुलाकात की है जो 90 के दशक के दौरान सर्विस में थे। टेलीविजन की दुनिया के चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस ने टीआरपी की लिस्ट में टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है। खबर है कि शो में जल्द ही टिकट टू फिनाले टास्क शुरू होने वाला है। बिग बॉस 13 में एक टास्क के दौरान विशाल ने संथालक होने के अधिकारियों का फायदा उठाया, जिसके बाद बीबी ने घोषणा की कि अब से हर किसी को छोड़ने के लिए कोई भी प्रतीक्षा कार्य नहीं किया जाएगा। बिग बॉस 13 में शेफाली जारीवाला ने पारस छाबड़ा और आकांक्षा पुरी के रिश्ते पर कमेंट किए करते हुए कहा कि शेफाली के अनुसार ऐसा रिलेशनशिप ना ही पारस के लिए सही है और ना ही आकांक्षा के लिए। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ और आसिम के बीच लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जहां बिग बॉस को कोई ना कोई एक्शन लेना जरूर पड़ रहा है। आने वाले एपिसोड में आसिम सिद्धार्थ से अपना जूता चटने के लिए कहते दिखाई देंगे। बिग बॉस 13 के लेटेस्ट एपिसोड में सिद्धार्थ सुकून से शहनाज से बातें करते दिखेंगे। उन्होंने शहनाज के साथ अपने अटैचमेंट की तुलना सिगरेट के साथ की है। बिग बॉस 13 टीआरपी में धमाल मचा रहा है। कॉमेडियन भारती सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि बिग बॉस 13 के 3 फाइनलिस्ट सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई और आसिम रियाज हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई बिग बॉस 13 की एक क्लिप में आसिम रियाज ने शेफाली को यह कहते हुए ताने मारे कि आया था ना तेरा कोई नाला। बता दे कि आसिम ने यह बात शेफाली के अभिनेता पति पराग त्यागी के संदर्भ में कही थी।
और अब कुछ महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। आज यूपी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ अवध शिल्पग्राम में होने वाले दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। स्थापना दिवस कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। लखनऊ में यूपी स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने पर 3 दिन तक विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यूपी का इतिहास गौरवशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी में काशी और संगम है और यूपी में ही गंगा सबसे अधिक दूरी तय करती है। राम और कृष्ण की जन्मभूमि भी यूपी, इसलिए हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और हम करते भी हैं। प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में बिना भेदभाव सभी को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उद्यमियों, कलाकारों, खिलाड़ियों सभी को सम्मानित किया जाता है उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मुसलमान बर्बाद कर देने वाली कौम है, तो अगर हम बर्बाद करने आए हैं तो लाख कोशिशों के बाद भी छोड़ेंगे नहीं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। मोहन भागवत आज सुभाष नगर स्कूल में संघ प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। आरएसएस के 5 दिवसीय इस सम्मेलन में संघ की रीति नीति और कार्यों पर चर्चा होगी। अब आगे बढ़ते हैं। चंदौली के नक्सल प्रभावित इलाके नौगढ़ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है। इस ट्रेनिंग सेंटर में पहले बैच में कुल 100 जवानों को रखा गया है, जिनको 2 महीने की एंटी नक्सल ऑपरेशन की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी समेत बीजेपी के विधायक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी विभाग के स्टॉल लगाए गए। बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट में डीएम दफ्तर के बाहर चोरी हुई कार न मिलने से नाराज एक युवक खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यूपी के बच्चों को 10% आरक्षण वाले बयान पर माफी मांगते हुए देखा गया। उन्होंने कहा, 17-18 हजार छात्र देश नहीं चला सकते। संबल के थाना नखासा क्षेत्र के सिरसी बिलारी मार्ग पर तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। एक युवक की मौत हो गई और महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फतेहपुर के सदर कोतवाली के नौवा बाग में NH2 के पास तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ में सादातगंज के पुराने चबूतरे पर 3 दिन से गायब शख्स की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ में वसीम रिजवी ने ओवैसी बंधुओं पर हमला करते हुए ओवैसी के मुगल बादशाह वाले बयान पर कहा, मुगल बादशाह नहीं विदेशी लुटेरे थे जिन्होंने हिंदुस्तानियों को बांधकर लूटा था और मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद बनाई। ये भगवान राम का हिंदुस्तान है। गोंडा में यूपीपीसीएल के संविदा बिजली कर्मियों ने वेतन समेत कई मांगों को लेकर एमडी के शिविर कार्यालय के बाहर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कार्यालय के बाहर बिजली कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। वाराणसी के नदेसर में रामलीला मैदान के पास नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण के नाम पर करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में कई घरों को धराशायी कर दिया गया, वहीं रसूख रखने वाले लोगों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। जौनपुर के पवारा क्षेत्र के बनकट गांव के प्राथमिक स्कूल में छात्राओं से छेड़खानी करने पर महिलाओं ने पुलिस के सामने ही शिक्षक की चप्पलों से पिटाई कर दी। बुलंदशहर में जमीन के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने SSP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, साथ ही परिवार वालों ने पिटाई का वायरल वीडियो भी SSP को सौंपा है। फिरोजाबाद के कोतवाली शिकोहाबाद के दिखतौली गांव में चेकिंग के लिए गई बिजली विभाग की टीम से मारपीट की गई। कर्मचारी की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। प्रयागराज में नैनी के डांडी में भारत पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर 1.7 लाख रुपए यानी 1,07,000 रुपए लूट लिए। लूट की वारदात कैमरे में कैद हो गई। बरेली के भोजीपुर थाना क्षेत्र में श्रीराम मूर्ति के मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में शॉर्ट सर्किट चलते आग लग गई।
आग में झुलसने से इंटर्न कर रही छात्रा की डेथ हो गई। गर्ल्स हॉस्टल में आग से बचाव के कोई उपकरण भारत समाचार को नहीं दिखे क्योंकि वहां मौजूद ही नहीं थे। कानपुर के जूही थाना क्षेत्र के ओ ब्लॉक में दो मंजिला मकान में आग लगने से लाखों का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। रामपुर के कोतवाली मिलक के खुर्दा नगर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लग गई जिससे घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर दमकल समय पर नहीं पहुंचने से लाखों का नुकसान हो गया। कानपुर के सजेती थाने के बांध गांव तिराहे पर पुलिस बदमाशों में हुई मुठभेड़ में 25,000 के दो इनामी गिरफ्तार कर लिए गए। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और बुलेट बाइक बरामद किए गए। अमरोहा में दारोगा ने 20 सड़क पर लोगों की पिटाई की। दारोगा का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दारोगा थाना गजरौला थाना क्षेत्र में तैनात बताया जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कह दिया, लोनी नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी के घर पर हमले के मामले में पुलिस ने खानापूर्ति के लिए गलत आरोपियों को पकड़ा है। बाराबंकी में नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेल चौराहे के पास चोरों ने ताला बंद पड़े मकान को निशाना बनाते हुए लाइसेंस से रिवाल्वर समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोर लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। कन्नौज में शहीद हरिओम के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। नौसेना में तैनात हरिओम अंडमान निकोबार में जहाज हादसे में शहीद हो गए थे। शहीद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी गई। कन्नौज में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ। जिला अस्पताल में लापरवाही के मामले में डीएम रविंद्र कुमार ने मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। जांच के बाद बेखबर सीएमओ पर एक्शन का आश्वासन दिया। कन्नौज के जिला अस्पताल की महिला विंग में लापरवाहियों का अंबार बढ़ता ही जा रहा है। यहां आने वाले मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहां भर्ती मरीजों को ठंड से बचने के लिए कंबल तक नहीं दिए जाते। अमरोहा में सैद नागली थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने घर में घुसकर बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। आजमगढ़ के बरदहा थाना क्षेत्र के बेसो नदी के पुल पर अज्ञात लोगों ने कपड़ा व्यापारी की सर कूचकर हत्या कर दी। व्यापारी की हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बागपत पहुंचे जयंत चौधरी ने संजीव बालियान के बयान पर बयान देते हुए कहा कि संजीव बालियान उल जलूल कुछ भी कह देते हैं क्योंकि उन्हें अखबारों और टेलीविजनों में छाए रहने की आदत है। अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के गांव दरियापुर बुजुर्ग में बदमाशों ने सीआरपीएफ के जवान समेत 6 घरों से लाखों का माल चोरी किया। आगरा के इत्मादपुर थाना क्षेत्र के जलेसर में नेशनल हाईवे पर कैटर्स व्यापारी की कार में धू धू कर आग लग गई जिसके बाद कार सवार ने भागकर अपनी जान बचाई। बलिया के सदर कोतवाली के पानी की टंकी के पास न्यायालय की नई बिल्डिंग के लिए अतिक्रमण टीम ने सब्जी मंडी में तोड़फोड़ की। टीम ने पक्के चबूतरे घुमटिया तोड़ दी। मजिस्ट्रेट ने थोक विक्रेताओं को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया यानी शिफ्ट कर दिया। मुरादाबाद के मझोला थाना के लोको शेड पुल पर बस और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों पुल से गिर गए। हादसे में कुल 5 लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बदमाश के पास से लूट की कैप और पिस्टल कारतूस बरामद किए गए। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एटीएम में घुसकर उपभोक्ताओं के एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 साथी ठगों को गिरफ्तार किया। हाथरस में थाना कोतवाली हाथरस गेट पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तीनों गांजा तस्करों के पास से 73 किलोग्राम गांजा, 2 कार, 3 मोबाइल और 2,95,000 रुपए की नकदी बरामद की गई। मुरादाबाद में अवैध शराब बनाने वाले कारोबार को बंद कराए जाने के बाद पुलिस विभाग ने शराब बनाने वाले परिवारों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया। रोजगार मेले के बाद लोगों को जॉब कार्ड वितरित किया गया। लखीमपुर खीरी की नेपाल सीमा पर गणतंत्र दिवस के मौके पर अलर्ट जारी किया गया जहां एसपी ने खुद नेपाल सीमा पर जाकर पैदल गश्त किया। साथ ही आने जाने वाहनों की एसपी ने तलाशी भी ली। प्रयागराज में माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्व पर लाखों भक्तों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद पूजन और दान भी किया।
श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई, जिसका नजारा बहुत अलौकिक था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर माघ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। संगम नोज पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 6 स्नान घाटों पर मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या सबसे बड़ा शाही स्नान माना जाता है। अब तक 2.5 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं। वाराणसी गंगा घाट पर मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं को भारी भीड़ उमड़ी है। आज का स्नान सूर्योदय से पहले मौन रहकर किया जाता है, ऐसी मान्यता है। गोड़ा में मौनी अमावस्या पर सरयू तट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। स्नान के बाद दान का सिलसिला शुरू हो गया। इन सब के लिए घाट पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। गोताखोरों की भी ड्यूटी लगाई गई। चंदौली में मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने बलुआ घाट के पश्चिमी वाणी गंगा में डुबकी लगाई। घाटों पर बड़ी संख्या में पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है। विश्व गुरु स्वामी श्री अर्गणानंद जी महाराज द्वारा रचित यथार्थ गीता का निशुल्क वितरण किया जाएगा। मानव धर्म शास्त्र यथार्थ गीता, संघर्ष एवं न्याय के प्रतीक श्री शिवपाल सिंह यादव के जन्मदिन बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा, आप सादर आमंत्रित हैं। दिनांक 30 जनवरी 2020, स्थान शनि देव मंदिर, होटल क्लार्क अवध के पीछे, समय दोपहर 12 बजे से। निवेदक विनोद पांडे, एडवोकेट हाईकोर्ट। पीढ़ी दर पीढ़ी MDX